तो दोस्तों मैं आपको कहूँ कि आप YouTube से किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके उसकी पूरी की पूरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दो और आपके उस वीडियो पर ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही स्ट्राइक आएगा और यहाँ तक कि रियूज कंटेंट भी नहीं आएगा YouTube की तरफ से। तो दोस्तों ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यही चीज़ें करते हैं, YouTube से किसी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी पूरी की पूरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं और ना ही उसके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है, ना ही स्ट्राइक आता है और यहाँ तक उस वीडियो से जो भी रेवेन्यू होता है यानी अर्निंग होता है ना, उन्हीं को मिलता है। तो दोस्तों आखिर कैसे वीडियो को डाउनलोड करनी है, किस तरीके से अपलोड करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी एक न्यू क्रिएटर हैं तो आप में से 90% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होता है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको YouTube से वीडियो को डाउनलोड करनी होगी और किस तरीके से अपलोड करनी होगी कि ताकि आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक या फिर क्लेम या फिर रियूज कंटेंट कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर है तो आपको यहाँ पर 90% लोगों को नहीं ये चीज़ नहीं पता होती है कि आखिर किस तरीके से हमको वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड करनी है और जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी एक न्यू क्रिएटर है तो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज की इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया हूँ। देखिए मैंने अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लिया हूँ। अब दोस्तों देखिए जब भी आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है। देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने ये वीडियो अभी अपलोड करना है मेरे को, देख सकते हैं यहाँ पर अनलिस्टेड मोड में है। चलिए मैं यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पाता हूँ और देखिए ध्यान से आपको मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब टैग वाला आप सेक्शन पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए एक आपको ऑप्शन आता है, देखिए स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अब आपने ये ऑप्शन देखा होगा लेकिन आपको अभी तक पता नहीं होगा कि आखिर ये ऑप्शन वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये ऐसा ऑप्शन है ना कि इसकी मदद से आप किसी की वीडियो को डाउनलोड भी करवा सकते हो, किसी की वीडियो को मतलब कि परमिशन दे सकते हो। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि अभी आपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप में से 90% लोग यही सेलेक्ट रखते हैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि आखिर ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सेलेक्ट कर रखा है और आपके मतलब इस वीडियो को मतलब आप जब अपलोड कर देते हो, पब्लिक कर देते हो, तो इस वीडियो को अगर मान लीजिए कि मैं डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा तो मतलब आपका हक बनता है कि आप मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम दे सकते हो। यानी कि जिस वीडियो में स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सेलेक्ट रहता है तो इसका मतलब होता है ना कि आपके वीडियो को कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है। यानी कि आपने यूट्यूब को लाइसेंस दे रखा है कि आपके किसी भी वीडियो को कोई डाउनलोड करेगा तो आप उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो, क्लेम दे सकते हो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग देखिए नीचे में एक ऑप्शन आता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना बहुत ही मतलब कि ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। देखिए ये इसके क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने किसी वीडियो को क्रिएटिव कॉमन करके अपलोड कर दिया, यानी कि मैं अपने तरफ से परमिशन दे दिया हूँ कि आप मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, मैं आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं दूंगा, इस ऑप्शन का मतलब होता है। आप में से 90% लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है क्रिएटिव कॉमन, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि अगर इसके तहत आपने वीडियो को अपलोड करिएगा ना तो आपका हक नहीं रहेगा अब उस वीडियो पर, आपके वीडियो को कोई भी मतलब डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है, ना ही आप कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, ना ही स्ट्राइक दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों अगर आप क्रिएटिव कॉमन करके वीडियो को अपलोड कर दोगे तो आपके भी वीडियो को कोई भी डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देगा ना, तो आपका वहाँ पर कोई भी हक नहीं होगा कि आप उसको कॉपीराइट क्लेम दीजिए या फिर स्ट्राइक दीजिए। और यही चीज़ काफ़ी सारे लोग करते हैं और इसी वीडियो को डाउनलोड करना है, यूट्यूब पर जाकर ऐसे वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड भी कर सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो। और इसके तहत देखिए जब क्रिएटिव कॉमन के तहत कोई वीडियो को अपलोड किया जाता है ना तो उस वीडियो को अगर आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड भी कर दोगे ना तो जितना रेवेन्यू होगा ना उस वीडियो से सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि उस पर अब आपका हक है, इसका हक नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे शर्तें भी है कि किस तरीके से डाउनलोड भी करना है। अगर मान लीजिए कि क्रिएटिव कॉमन वाला ही वीडियो आप डाउनलोड करोगे फिर भी आपको स्ट्राइक मिल जाता है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से डाउनलोड करनी होगी। अब दोस्तों देखिए मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को अब मैसेज आएगा कि भाई आखिर हम डाउनलोड कैसे करेंगे क्रिएटिव कॉमन वाले वीडियो, आखिर हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करें। चलिए मैं देखते हैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया। अब दोस्तों ध्यान समझना है आपको क्या करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ व्यूज कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, आप लोग देखो यहाँ पर मान लो कि मेरे को इस वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकता, कहेंगे भाई ये क्रिएटिव कॉमन तो इन्हें है नहीं, तो आपको क्या करना है देखिए थ्री डॉट ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर पर जाइएगा। फिल्टर पर जाने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन आता है नीचे क्रिएटिव कॉमन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये है क्रिएटिव कॉमन। अब मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा, अप्लाई कर दूँगा। अब जैसे ही इस पर क्लिक करके अप्लाई करोगे ना ये जितने भी आपके सामने ये वीडियो जो ओपन हो रही है अब ये सारी क्रिएटिव कॉमन वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दोगे तो ये बंदा आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं देने वाला है। आप लोग ये डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक शर्त है आप ध्यान रखना है। मान लीजिए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया हूँ, आप ध्यान समझना मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ और मैं अपने चैनल पर मतलब क्रिएटिव कॉमन सेलेक्ट नहीं किया था, यूट्यूब का लाइसेंस सेलेक्ट कर दिया था, समझ रहे हो ना, मतलब यूट्यूब के लाइसेंस के तहत मैंने एक कोई वीडियो अपलोड कर दिया और मेरे उस वीडियो को किसी डाउनलोड कर दिया किसी ने और वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया क्रिएटिव कॉमन के तहत,
समझ रहे हो, मतलब मेरे मैंने अपने वीडियो को क्रिएटिव कॉमन के तहत मतलब अपलोड नहीं किया था, लाइसेंस दिया था यूट्यूब को, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो को डाउनलोड करके और क्रिएटिव कॉमन के तहत अपलोड कर दोगे, तो भाई देखो क्या होता है कि जब इस तरह से कोई वीडियो को डाउनलोड करता है ना, तो मैं उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए हर वीडियो का एक आईडी होती है, यानी कि जब आपने चैनल पर उस वीडियो को अपलोड करोगे तो मेरे पास जो आईडी है ना उसके तहत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई तुमने मेरे वीडियो को यूज किया है, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। तो अगर आप लोग को कभी भी क्रिएटिव कॉमन वाला वीडियो डाउनलोड करना होगा तो सबसे पहले डाउनलोड करने से पहले एक बार देख लेना कि ये वीडियो मतलब कि जिसने अपलोड किया है उसी का है ना, मतलब कि उस वीडियो का ऑनर वही है ना, अगर नहीं होगा तो उस वीडियो को डाउनलोड नहीं करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। काफ़ी सारे लोग गलतियाँ करते हैं, क्रिएटिव कॉमन का वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं फिर भी उनके चैनल पर स्ट्राइक आता है, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो वीडियो एक्चुअली में है कैसे का, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, मतलब उसका प्राइवेट वीडियो को भी कॉपीराइट क्लेम मतलब कि जो भी मतलब कि ये यूट्यूब लाइसेंस के तहत वीडियो नहीं होता है, फिर भी उसके वीडियो को डाउनलोड करके या क्रिएटिव कॉमन के तहत अपलोड कर देते हैं, यानी कि उसका तो भाई ओरिजिनल तो वीडियो है नहीं, किसी दूसरे का ओरिजिनल वीडियो है, आपने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया तो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।